अये पूर्णे गंगे जगति जन्मम चेन्मम पुनः भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धये सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम न मेदन्या स्यादिहा तव तत विहारे विहर। ये है गंगा जिसने सदियों पुराने इतिहास को अब तक अपने दामन में संजोए रखा है। ये पावन गंगा सदियों से इस धरती को पवित्र करती आ रही है। इसकी निर्मल धाराओं में आज भी सदियों पुरानी ऐतिहासिक कहानियों की गूंज सुनाई देती है। आधुनिकता के दौर में निरंतर आगे बढ़ते फर्रुखाबाद ने आज भी अपनी ऐतिहासिक सुदृढ़ता को बनाए रखा है। इस परम पावन नगरी ने महादेवी वर्मा, राजा दिलीप, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सलमान खुर्शीद, शीला दीक्षित, पूर्व राष्ट्रपति फिदा हुसैन और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP डॉक्टर गिरीश बिहारी सक्सेना जैसे अनेक अनमोल कोहिनूर समाज को प्रदान किए हैं, जिनकी उपलब्धियों ने फर्रुखाबाद को गौरवान्वित किया है। सन 1868 में अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई ये इमारत टाउन हॉल है, जो फर्रुखाबाद आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करती हुई प्रतीत होती है। फर्रुखाबाद की इस महान धरती ने जिस स्मरणीय इतिहास को जिया है, ये विरासत उस महान इतिहास की साक्षी है। इस पवित्र और सुगंधित माटी के गर्भ में आज भी महाभारत कालीन स्मृतियाँ हैं। संकिसा प्रवास के रूप में गौतम बुद्ध के संदेश जन जन में व्याप्त हैं। नवाब मोहम्मद खां बंगस की शानदार विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी गाथाएं, विश्रांत घाट, असंख्य पुरातन मंदिर आज भी अपने समय की कहानियां दोहरा रहे हैं। ये अनेक धर्मों का तीर्थ स्थल है। ये किसी एक धर्म और एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, ये तो कई सदियों, विभिन्न धर्मों और लाखों करोड़ों व्यक्तियों के प्रयासों और उनकी उपलब्धियों की विरासत है। इस नगर में जगह जगह विद्यमान पुरातन मंदिर और शिवालय यहाँ हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को प्रमाण सहित सिद्ध करते हैं। यह है मठिया देवी मंदिर। माना जाता है कि महाभारत काल में माता कुंती ने यहाँ माँ गौरी की प्रतिमा स्थापित कर इस मंदिर की स्थापना की थी। कायमगंज मार्ग पर स्थित यह गुरुग्राम मंदिर महाभारत काल में आचार्य द्रोणाचार्य का निवास स्थान होने के कारण गुरुग्राम कहा जाता है। आज यहाँ पर फर्रुखाबाद नगरवासियों द्वारा जीर्णोद्धार कर बनाया गया भव्य दुर्गा मंदिर है, जहाँ पर आचार्य द्रोण व पांडवों द्वारा स्थापित की गई मूर्तियाँ आज भी विद्यमान है। संकिसा स्थित यह प्राचीनतम मंदिर विषहरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर की मान्यता है कि रामायण काल में एक देवी ने विषैले कीटों का नाश कर धरती को विषमुक्त किया था, इसलिए इन्हें विषहरी देवी के नाम से पूजा जाने लगा। लोग आज भी विषैले कीट के काट लेने पर विष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। महान तपस्वी कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थली कपिल को अनेक धर्म ग्रंथों में वरीयता दी गई है। महाभारत काल में यह स्थान दक्षिण पांचाल के राजा द्रुपद की राजधानी थी। यही स्थान द्रौपदी की जन्मस्थली और स्वयंवर स्थली भी है। ये वह स्थान है जहाँ पर महान तपस्वी कपिल मुनि तपस्या किया करते थे। यहीं पर उनका आश्रम था, जहाँ उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। आज भी यहाँ कपिल मुनि द्वारा पूजित शिवलिंग विराजमान है। ये है रामेश्वरम मंदिर। कपिल स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना रामायण काल की मानी जाती है। रामायण काल में भगवान श्री राम सेतुबंध रामेश्वरम में जिस शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे, उस शिवलिंग को शत्रुघ्न ने कपिल में लाकर स्थापित किया था। इसके बाद यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर की स्थापना हुई। इसी स्थान पर धौम्य ऋषि आश्रम था, जहाँ पांडवों ने माँ कुंती के साथ अज्ञातवास का लंबा समय व्यतीत किया था। यहाँ विराजमान इस शिवलिंग को धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ स्थापित किया था। इसी स्थान पर भक्त बाबा पातिराम की समाधि है। इतने सारे देवी देवताओं के मंदिरों वाला ये नगर कितना भव्य और पवित्र है, इस बात का पता तो केवल इसके दर्शन मात्र से ही चल जाता है। भगवान बुद्ध का पुनः अवतरण स्थल होने के कारण यह स्थान संकिसा बौद्धों का प्रधान तीर्थ स्थल माना जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार काली नदी के पास यही वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध स्वर्ग में माता को उपदेश देने के बाद अश्विनी पूर्णिमा को पुनः अवतरित हुए थे। इस अवसर पर राजा दीर्घासक ने संपूर्ण नगर को स्वर्ग के समान सजा दिया था। इस प्राचीन शिला स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। इसके ऊपरी भाग में सिंह अंकित है। विशाल भूभाग पर बना यह आलिशान भवन और बौद्ध मंदिर, जिसे एक श्रीलंकाई पर्यटक ने बनवाया था, ये एक पर्यटन स्थल है। यहाँ दर्शन पूजन करने आने वाले पर्यटकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। यह भव्य अतिथि गृह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनवाया गया है। यहाँ देश विदेश से आने वाले बौद्ध भिक्षुओं और महंतों के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ अनेक बच्चे बौद्ध धर्म के संस्कार और संबंधित शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाया गया यह पर्यटन स्थल अनेक पर्यटकों को संपूर्ण व्यवस्था प्रदान कर रहा है। ये बौद्ध तीर्थ स्थल यहाँ रचे बसे बौद्ध धार्मिक संस्कारों के परिचायक हैं और इनकी गरिमा को बढ़ा रहे हैं। जैन धर्म अनुयायियों के लिए भी यह कंपिल स्थान विशेष रूप से पूज्य है। यहीं पर जैन धर्म के 13वें तीर्थकर भगवान विमलनाथ के गर्भ जन्म, दीक्षा और ज्ञान कल्याणक महोत्सव संपन्न हुए। ये है जैन धर्म के 13वें तीर्थकर भगवान विमलनाथ का दिगंबर मंदिर। महाराज कृतवर्मा की महारानी जयश्यामा के गर्भ से जन्मे भगवान विमलनाथ में 1008 शुभ सामुद्रिक लक्षण थे। इंद्रदेव ने इनकी चमत्कारिक काया को देखकर इनका नाम विमलनाथ रखा था। भगवान विमलनाथ का यह प्राचीन मंदिर लगभग 1500 साल प्राचीन बताया जाता है। मंदिर धरातल से लगभग 10 फुट ऊंची चौकी पर है। यह भगवान विमलनाथ की लगभग 2 फुट की मूल लायक प्रतिमा पद्मासन में आसीन है। ये प्रतिमा चतुर्थ काल की मानी जाती है। मंदिर का विशाल शिखर, जिसमें एक लंबा चौड़ा ढलान और एक गर्भगृह है, अपनी अखंडता के साथ यह दिगंबर मंदिर इस अप्रतिम धरोहर का स्वामी है। ये खुदाई में प्राप्त की गई श्वेतांबर जैन मूर्तियां हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में श्वेतांबर मंदिर भी थे। इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए कंपिल में ही एक नवीन श्वेतांबर मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा है। ये दिगंबर जैन अतिथि गृह है, जहाँ पर देश विदेश के पर्यटकों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। विभिन्न रूपों में जैन धर्म से जुड़ी और भगवान विमलनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ के पवित्र चरण कमलों के पद चिन्ह वाली इस धरती में जैन संस्कार समान प्रभाव के साथ फलीभूत हो रहे हैं। इस सरजमी से मुस्लिम धर्म भी अछूता नहीं रह सका। बादशाह फर्रुखशियर के नाम से ही इस नगर का नाम फर्रुखाबाद आबाद हुआ। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद फर्रुखशियर ने बंगस खां की सहायता से स्थायी रूप से बादशाहत प्राप्त की। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने बंगस खां को बुंदेलखंड और कन्नौज की जागीरें दे दी और उसे नवाब का पद भी प्रदान किया। लेकिन जब नवाब ने अपने नाम से शहर बसाना चाहा, तो बादशाह नाराज हुए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए नवाब ने 27 दिसंबर सन 1714 को बादशाह के नाम फर्रुखशियर से शहर का नाम फर्रुखाबाद घोषित किया। बादशाह की मृत्यु के बाद नवाब बंगस खां ने ही शहर में विकास की धारा बनाए रखे हुए शानदार विरासत का निर्माण किया और 1743 में 78 वर्ष की आयु में ही इनका इंतकाल भी हो गया। इस प्रकार नवाब तफजुल खां इस धरती पर शासन करने वाले अंतिम नवाब थे, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। यह नवाब बंगस खां का मकबरा है, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में ही तामीर कराया था। इसके बाद बैशत बाग में उनकी बीबी राबिया बेगम का मकबरा है। इसी के पास एक खंडहर नुमा मस्जिद की इमारत है, जिसे नवाब बंगस खां ने बनवाया था। यह खुदागंज है, जहाँ सरदार नियुक्त होने के बाद नवाब बंगस खां के पुत्र अहमद बंगस खां ने सन 1750 में अपना पहला युद्ध जीता था। ये अति प्राचीन इमारत मुगलकालीन स्नान घाट है, जिसका निर्माण बादशाह औरंगजेब ने कराया था। पहले गंगा की धार इस इमारत तक आती थी, जो अब बहुत दूर चली गई है। ये नवाबों, राजाओं और व्यापारियों द्वारा बनवाई गई भव्य विश्रांति स्नान घाट है, जो स्नानार्थी को हर मौसम में संपूर्ण सुविधा प्रदान करती थी। लेकिन अब यहाँ से भी गंगा का पानी बहुत दूर चला गया है। मुस्लिम शासकों व नवाबों के दौर में फर्रुखाबाद ने जिस मुकाम को पाया, वह इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। फर्रुखाबाद की मिट्टी से ईसाई धर्म के जुड़े होने की बात फर्रुखाबाद और बड़पुर के चर्च सच साबित करते हैं। चर्च से जुड़े पादरियों और ईसाई मिशनरियों ने
शिक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार के अनेक प्रयास किए हैं। इस प्रकार से ये सभी धर्म अपनी भव्यता, ऐतिहासिकता और एक रस्ता के दर्शन करा रहे हैं। ये है फतेहगढ़। नवाब अहमद बंगस ने अपनी फतेह के बाद एक किले का नाम फतेहगढ़ किला रखा और इस स्थान को फतेहगढ़ नाम दे दिया। अब यह प्रशासनिक कार्य का केंद्र है। यहीं पर सन 1778 में बनी राजपूत रेजिमेंट देश की सेवा में निरंतर अग्रसर है। सन 1857 की अनेक स्मृतियों वाला यह स्थान स्वराज्य कुटीर है। यहाँ पर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेक देशभक्तों ने अनेक बैठकें आयोजित की और इस स्थान को अपनी शरण स्थली बनाया। रेलवे रोड स्थित यह इमारत तिलक भवन है। ये तीन भागों में बटा है, शहीद भवन, स्वतंत्र भवन और व्याख्यान मंच। यहीं पर तिलक बैठकों का आयोजन किया करते थे। यही वो स्थान है जहां पर सन 1930 में नमक आंदोलन की रणनीति तैयार हुई थी। ये है 1930 में बना पटेल पार्क, जो नेहरू, सुभाष, पटेल जैसे सैकड़ों देशभक्त और नेताओं के आगमन का प्रमुख केंद्र रहा। इसी स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अंतिम सभा का आयोजन किया था। ये है मणिरत्नम नाथ बनर्जी की प्रतिमा, जिन्होंने काकोरी लूट में क्रांतिकारियों का सहयोग किया, जीवन भर देश के लिए लड़ते रहे। ये है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। इसका प्रारंभ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद सन 1867 में इंडियन मेडिकल सर्विसेज के अधीक्षक श्री एच रावत ने कराया था। यह जेल यूपी की प्रमुख जेलों में गिनी जाती है। खुदागंज का यह पुल हकीम मेहंदीवाला ने बनवाया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए क्रांतिकारियों ने इस पुल को ध्वस्त कर दिया। ये है लीजीगंज गेट, जिसका निर्माण लैंडसे नाम के एक अंग्रेज ने कराया था। लैंडसे ने यहाँ पर एक मंडी बनवाई थी। इसके बाद यहाँ ये विशाल द्वार बनवाया। महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकार का जन्म 1907 में इसी शहर में हुआ था। यहाँ पर महादेवी जी के सम्मान में एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कराया गया है। यह है अहिच्छता संग्रहालय, जिसने हजारों वर्षों के इतिहास प्रमाणों को सुरक्षित रखा है। इसका संचालक डिलीट उपाधि धारक डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत हैं, जिन्होंने इस संग्रहालय में पंचाल संकाशय और कन्नौज केंद्रित सांस्कृतिक कला, मृदुभांड, प्रस्तर, धातु, कास्ट, मुद्रा, पांडुलिपियाँ, कलाकृतियाँ, जीवाश्म, इष्ट, कांच, शस्त्र, डाक टिकट, अस्थियों के अति प्राचीन संग्रह को अद्भुत कला केंद्र के रूप में रखा है। तो ये हमारा संग्रहालय जो है, इसको हमने संस्था पंजीकरण कराई है, अहिच्छता इतिहास तथा पुरातत्व शोध संस्थान। तो उसके माध्यम से हम ये संग्रहालय चला रहे हैं और इसकी जो दुर्लभ वस्तुओं का हम राजकीय पंजीकरण भी कराते हैं, उसकी एक प्रतिलिपि हमारे पास रहती है। संपूर्ण भारत के इतिहास वेदता तमाम और कई देशों के, विदेशों के भी यहाँ पर प्रतिनिधि संग्रहालय को देखने आ चुके हैं। हम लोगों ने प्रयास करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए एक यहाँ पर संग्रहालय हाथीपुर में जो निर्माण हो रहा है, प्रयास करके उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए, पहले किस्त में 1 करोड़ रुपया रिलीज हुआ था और लगातार उसका निर्माण हो रहा है। तो हमारी डीएम जिलाधिकारी महोदय, जितने अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने स्थल चयन किया था। इस शहर ने ऐतिहासिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। जरदोजी कला उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध फर्रुखाबाद से इन वस्तुओं को खरीदने विदेशों से लोग आते हैं। मुगलकालीन इस व्यवसाय ने आज भी अपनी परंपरा को कायम रखा है, जिसकी छाप इन वस्त्रों में साफ दिखाई देती है। यहाँ से विदेशों को भी भारी मात्रा में तैयार माल निर्यात किया जाता है। यहाँ कच्चा माल सूरत से और स्टोन ऑस्ट्रेलिया से आयात किए जाते हैं। यहाँ आलू की खेती का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ गंगा किनारे की उपजाऊ मिट्टी में गेहूँ, गन्ना और आम की अच्छी पैदावार होती है। यहाँ सूरजमुखी की खेती भी बड़े स्तर पर की जाने लगी है। फर्रुखाबाद दालमोठ व्यवसाय का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ दालमोठ निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। देशराज नमकीन वाले कई सालों से इस कार्य में संलग्न हैं और यहाँ की बनाई गई नमकीन पूरे भारत में प्रसिद्ध है। औद्योगिक दृष्टि से भी फर्रुखाबाद निरंतर आगे बढ़ रहा है और नए नए आयामों को प्राप्त कर रहा है। जिस प्रकार कई पवित्र नदियाँ संगम बनाते हुए सागर में मिल जाती हैं, उसी प्रकार फर्रुखाबाद रूपी इस सागर में कई धर्म एक समानता से संगम बनाते हुए अपनी संस्कृति के साथ रच बस गए हैं। यहाँ अनेक जातियाँ हैं, अनेक धर्म हैं
और अनेक वर्ण हैं, लेकिन उनमें एकता है, क्योंकि इन्हें अपनी ममता से सींचने वाली ये धरती माँ एक है। धन्य है ये भूमि जिसने इस अनोखे और अमूल्य इतिहास को जिया है। धन्य है ये विरासत जो इस शहर के सीने में दिल बनकर हमेशा धड़कती रही है और धड़कती रहेगी। सूर्यास्त के समय शांत ये गंगा ऐसी लगती है मानो सुबह से ही अपनी कहानी सुनाते सुनाते थक कर चूर हो गई हो और रात की आगोश में जाकर आराम करना चाहती हो, ताकि अगली सुबह फिर नई स्फूर्ति के साथ ही अपनी इस कहानी को दोबारा बयां कर सके। गंगा को देखकर स्वयं ही यह भाव मन में आ जाता है जैसे ये कह रही हो कि इस धरती से बढ़कर कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है, इस धरती से बढ़कर कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी।